रूस यूक्रेन के बीच एक महीने से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। रूसी सैनिकों ने जिस तरह की तबाही यूक्रेन के शहरों में मचाई है, उससे उभरने में यूक्रेन को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस जंग के बीच समंदर पार एक और मुल्क है, यमन, जो यूक्रेन की तरह ही युद्ध की मार झेल रहा है। वहां एक और खतरे ने दस्तक दे दी है। यूएन ने चेतावनी दी है कि यमन के तट पर यानी लाल सागर में टाइम बम पल रहा है। है ना ये होश उड़ा देने वाली खबर? तो आइए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के मानवीय सहायता समन्वयक डेविड ग्रेसली ने कहा है कि एफएसओ सैफर टैंकर एक टाइम बम है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर तेल रिसाव होने की आशंका है। इसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है, जो कि पहले से ही युद्ध से प्रभावित है। आपको बता दें कि एफएसओ सैफर टैंकर लाल सागर के तट पर 45 साल से फंसा हुआ है, यानी यमन के तट पर 45 साल से भी ज्यादा से फंसे इस टैंकर में 1.1 मिलियन यानी 11 लाख बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है। यमन के तट पर मौजूद कच्चे तेल को टैंकर से निकालने के लिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें भारी खर्च आएगा। शुक्रवार को डेविड ग्रेसली ने डोनर नेशंस यानी दान देने वाले देशों से $80 मिलियन यानी $8 करोड़ देने के लिए कहा है। डेविड ग्रेसली ने चेतावनी देते हुए कहा कि समुद्र में तेल फैलने की वजह से मछलियों की जान को खतरा पैदा हो सकता है, साथ ही उन पर निर्भर लोगों की आजीविका भी खतरे में आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर अगले 6 सप्ताह में यह राशि एकत्रित नहीं हुई और समय पर अभियान शुरू नहीं किया गया तो ये खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि मार्च की शुरुआत में यूएन और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच टैंकर से तेल को दूसरे जहाज में ट्रांसफर करने को लेकर एक समझौता हुआ है। इसके लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। डेविड ग्रेसली ने यूएन की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा था कि टैंकर से तेल को ट्रांसफर करने का काम जून में शुरू होकर सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि खराब मौसम से बचा जा सके। अब इसी के तहत उन्होंने दान देने वाले देशों से ये मदद मांगी है। गौरतलब है कि यमन में 2015 से ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानवीय संकट पैदा हो गया है। अब यूएन की इस चेतावनी ने यमन के साथ साथ दुनिया को भी दहशत में डाल दिया है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।